नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज 7 अप्रैल रात 10 बजे तक मुंबई में करीब 11,000 नए केसेज आए हैं। मुलुंड में पूर्व और पश्चिम की बात करें तो आज 292 नए केसेज आए हैं। परिस्थिति काफी गंभीर है, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स फुल चल रहे हैं। जंबो सेंटर में भी आज हमारे पास करीब 1200 पेशेंट है, तो मुलुंड ईस्ट में मीठागढ़ कोविड सेंटर में भी करीब 200 पेशेंट्स को हम ट्रीट कर रहे हैं। मैं इसलिए सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आने वाले 15 दिन बहुत ही सावधानी हमें बरतनी है। कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर छोटे दुकान वाले व्यापारी त्रस्त है, और इसलिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र द्वारा यह मांग की है कि हर ऐसे छोटे व्यापारी जिनको आर्थिक नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, उनके लिए एक आर्थिक पैकेज वह घोषित करे, या उनको उनकी दुकान, चाहे वह अल्टरनेट डेज हो या लिमिटेड टाइम हो, खोलने की अनुमति दे। आज मैंने महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी जी को एक पत्र द्वारा मांग की है कि कल 8 अप्रैल को वह मुलुंड जंबो सेंटर में आए और एक ज्वाइंट सुपरविजन हम करें। वहां पे एसी के बहुत कंप्लेन्स हैं, टॉयलेट्स के काफी इश्यूज हैं, और यह इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ठीक होने चाहिए, ऐसी मैंने मांग की है। आज हमारे वार्ड ऑफिसर के साथ भी मेरी मुलाकात हुई, और आने वाले करीब 7 दिन में एलबीएस रोड स्थित ऑक्ट्रॉय नाके पर भी हम आईसीयू बेड्स की फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही वह शुरू होगी मैं आपको उसकी इत्तला दे दूंगा। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।